नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों कल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र झारखंड की सियासी पिच पिच पर पर चुनावी पर अपनी तरफ से एक जबरदस्त स्ट्रोक खेलने का काम किया दोनों राज्यों की सियासत जिस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही है उस मुद्दे पर बीजेपी बोलने से बचती रही वो एक ऐसा सेंटिमेंटल मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जिसे संविधान बचाओ सम्मेलन संविधान सम्मान सम्मेलन के मौके पर नागपुर में मौजूद होकर वही नागपुर जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि कहा जाता है उस दीक्षा भूमि वाले शहर में मौजूद होकर आरएसएस का जहां मुख्यालय है उस शहर में मौजूद होकर सीधी चुनौती जिस मुद्दे पर राहुल गांधी ने दे दी कभी कल्पना भी नहीं की होगी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ लड़ रही महायुति ने और ना ही झारखंड के एनडीए गठबंधन ने कभी कल्पना की होगी दरअसल जिस अंदाज में राहुल गांधी ने इस पूरे माहौल को, पूरे चुनावी माहौल को उस मुद्दे के साथ गरमा दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी संघ परिवार बीजेपी एनडीए या महायुति के नाम से अलग अलग राज्यों में मौजूद उस सत्ताधारी गठबंधन ने जिस गठबंधन ने आज की तारीख में चुनावी हिंदुत्व की बिसात को इस ढंग से बिछाने की कवायद की है जिस चुनावी हिंदुत्व के सहारे इस देश के तमाम सामाजिक विमर्श के मुद्दे तमाम असमानता के मुद्दे गैर बराबरी को खत्म करने वाले वो तमाम बुनियादी सवाल एक तरफ किनारे होते हुए नजर आ रहे थे और उस बुनियादी सवाल को लेकर जो सियासत राहुल गांधी ने की वो भी नागपुर में जाकर दरअसल वो नींद उड़ाने वाला खेल है राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया कि अब इस देश के अंदर उस काम को करने के लिए तैयार बैठे हैं जिसको करना कोई नहीं चाहता है सब सैद्धांतिक बातें करते हैं तमाम लोगों को ज्योतिबा फूले की बातें अंबेडकर की बातें और तमाम दूसरे महापुरुषों की बातें अच्छी लगती है लेकिन बात जब अधिकार देने बाद जब असमानता खत्म करने बात जब वंचना की स्थिति को इस देश से समाप्त करने की दिशा में ठोस पहल करने की आती है तो ये तमाम लोग जो बड़े बड़े महापुरुषों की बात करते हैं उन सब के पैर थरथराने लगते हैं लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया चुनावी अभियान का श्रीगणेश करने के पहले कर दिया कि आरक्षण का सवाल जाति जनगणना के सवाल से सीधे जुड़ा हुआ है और जिस दिन उन्हें सत्ता मिलेगी जातिगत जनगणना भी कराएंगे और 50 परसेंट की जो लिमिट लगी हुई है जो 50% परसेंट से ऊपर आरक्षण को नहीं ले जाने की बात होती है उस बाध्यता को तोड़ कर रख देंगे झारखंड और महाराष्ट्र के लिए इस सियासत का मतलब क्या है इस सियासत का मतलब वही है जो मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के दरमियान दिखता है इस सियासत का मतलब यही है जो मराठा समुदाय के भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है कैसे मुद्दे के रूप में सामने आता है जो एक तरफ मराठी अस्मिता दूसरी तरफ सामाजिक न्याय का सवाल तीसरी तरफ ओबीसी वर्ग के हितों को बिना नुकसान पहुंचाए आरक्षण बढ़ाने का सवाल और चौथी तरफ चुनावी हिंदुत्व के उस काट के तौर पर इस रूप में सामने आता है जिस रूप में सामाजिक समता की बातें कहीं ना कहीं चुनावी हिंदुत्व की बातों की जड़ें खोदने पर आमादा दिखाई देती है नागपुर में कही गई बात का एक अलग मतलब है नागपुर यानी चुनावी हिंदुत्व की सबसे बड़ी लेबोरेटरी नागपुर जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है और वो नागपुर जहां से नितिन गडकरी सांसद है लेकिन झारखंड तक नागपुर से राहुल गांधी का जो संदेश निकला वो छोटा नागपुर तक भी पहुंच रहा है जी हां छोटा नागपुर यानी झारखंड का इलाका झारखंड के इलाके में एक तरफ अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम यानी कल्याणकारी योजनाएं बिजली बिल की माफी पिछले पांच सालों का शासनकाल और इन सबसे आगे बढ़कर जिस गारंटी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और इंडिया चल रहा था उस गारंटी को अब चुनावी रूप से शक्ल देने के लिए जब हेमंत सोरेन आगे निकले हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का भी अपना योगदान दिखता है यह बात जरूर है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण के दरमियान कैंडिडेट सिलेक्शन के दरमियान झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक वो तमाम गलतियां की है जिसे इन दोनों राज्यों के राजनीतिक विश्लेषक अपना माथा पीट रहे लेकिन सवाल ये उठता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी महालहर चल रही थी उस लहर में भाजपा के कैंडिडेट लिस्ट को यदि आप देखें उस वक्त बीजेपी के लोग भी माथा पीट रहे थे कि पता नहीं किसको टिकट दे दिया कई बार ऐसा होता है हर बार ऐसा होता है मैं नहीं कहता लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनता उम्मीदवारों को छोड़कर बड़े मुद्दों के साथ हो जाती है वो मुद्दे भावनात्मक होते हैं वो मुद्दे किसी बड़े कॉज के लिए किसी बड़े कारण से जुड़े हुए होते हैं वो विमर्श सामाजिक न्याय से भी जुड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे अपने पक्ष में कहीं ना कहीं हिंदुत्व के चुनावी स्वरूप में भी सामने लाने की कोशिश करती है लेकिन जो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं क्या वो आधुनिक भारत के वीपी सिंह और अर्जुन सिंह बनना चाहते हैं इस सवाल के दो खतरे पहले से मौजूद हैं क्योंकि सबने चुनावी रूप से वीपी सिंह और अर्जुन सिंह का राजनीतिक हसर देखा है कि वो सियासत करने के बाद आरक्षण और सामाजिक न्याय की सियासत करने के बाद उनकी राजनीति किस दिशा में चली गई दोनों जनरल कैटेगरी से आते थे राहुल गांधी भी जनरल कैटेगरी से आते हैं तो क्या आज की तारीख में यह विमर्श इतना बड़ा हो गया है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो तात्कालिक चुनावी लाभ से आगे जाकर राहुल गांधी को फायदा पहुंचा पाएगा यह सवाल तो हमेशा उठता रहेगा लेकिन यह सवाल उन नेताओं के लिए ज्यादा बड़ा सवाल होता है जो सत्ता की राजनीति करते हैं जो पद की राजनीति करते हैं राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जिस राहुल गांधी को आप जानते हैं उस राहुल गांधी को मैं कब का भूल गया आप भी भूल जाइए पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा था तो जब राहुल गांधी सत्ता की राजनीति कर रहे सत्ता की राजनीति खुद के लिए नहीं कर रहे है राहुल गांधी जब तो सत्ता की ताकत के बूते राहुल गांधी को और उनको मुद्दों को मात देने की कोशिश आज की तारीख में वैसे ही बेमानी लगती है जैसे महाराष्ट्र की सियासत को या झारखंड की सियासत को देखें तो वहां सांप्रदायिकता का समावेश हिंदी भाषी भारत के दूसरे राज्यों के चुनावी प्रयोग के रूप में एक सफल प्रयोग के रूप में इन दोनों राज्यों में दोहराने की कोशिश हो रही है यदि इन दोनों राज्यों में इसकी गुंजाइश होती तो अब तक झारखंड में भाजपा को बहुमत की सरकार कभी ना कभी बन चुकी होती यदि इन दोनों राज्यों में गुंजाइश होती तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना चुकी होती लेकिन महाराष्ट्र में तो भाजपा को चतुष्कोणीय मुकाबले के हालात चाहिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए झारखंड में भाजपा को आदिवासी वोटों के बीच विभाजन चाहिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद पर एक ट्राइबल लीडर मौजूद है झारखंड की बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाविकास आघाड़ी की कमान उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हाथ में मौजूद है तो इन दोनों राज्यों की सियासत जिससे नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता भी काफी हद तक तय होनी है तो इस मुद्दे के सहारे यदि सियासत को को और उसके विमर्श के स्तर सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे से सीधे सीधे जोड़कर राहुल गांधी बदलना चाहते हैं तो इसकी सबसे बड़ी प्रयोग स्थली यदि महाराष्ट्र झारखंड बन रहा है बिहार के अलावा कोई दूसरा राज्य आरक्षण की राजनीति की एक बड़ी प्रयोगशाला बनता हुआ दिख रहा है तो मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति के सहारे अखिलेश यादव ने भाजपा को मात दी है बिहार के दायरे से बाहर निकलकर मात दी है वहां कोई लालू यादव और नीतीश कुमार नहीं थे वहां कोई आरक्षण का सवाल और मोहन भागवत का बयान नहीं था वहां पीडीए था और बिहार की जातिगत जनगणना की आंच बिहार के दायरे के बाहर पहुंच चुकी थी अब यही आंच अब पीडीए की स्ट्रगल से आगे बढ़कर महाराष्ट्र में झारखंड में एक नए स्वरूप में सामाजिक न्याय की सोशल जस्टिस की बात करते हुए नजर आ रही है जब ये तंज राहुल गांधी कस रहे थे कि आरएसएस के लोग महापुरुषों की बात करते हैं और सीधे सीधे संविधान के खिलाफ नहीं बोलते तो इसके रिपरकसन को इसके परिणामों को वो जानते हैं लेकिन मनसा उनकी वही होती है सवाल यह है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उस सवाल के ऊपर आरएसएस की तरफ से भाजपा की तरफ से कोई खंडन आता उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने वो बयान दे दिया राहुल गांधी के इस बयान पर कि बीजेपी का पूरा का पूरा नैरेटिव बदलता हुआ दिखा कहा तो उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी के आरोपों पर खंडन आएगा और सामाजिक न्याय का चोला पहनने की एक कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने ठीक उल्टा बयान दे दिया उन्होंने कहा कि इन्हीं सब वजहों से यानी आरक्षण पर बोलने और जातिगत जनगणना की बात करने की वजह से राहुल गांधी को लोग नेता नहीं मानते सवाल ये उठता है कि जब इस देश का पिछड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी के सिर्फ इतना कह देने से कि मैं पिछड़ा हूं नेता मान लेता है भले ही आरक्षण की प्रक्रिया उसकी सवालों के घेरे में उसे लग रही हो भले ही सामाजिक न्याय की राजनीति उसे कुंद होती हुई दिखाई दे रही हो और भले ही उसके मुद्दे ओझल होते हुए दिख रहे हो तो सिर्फ चेहरे के आधार पर जब वो नरेंद्र मोदी को 2014 और 19 में बहुमत की सत्ता सौंप सकता है तो मुद्दा आधारित राजनीति के दौर में राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर पूरे सियासत के विमर्श को बदल सकने की स्थिति में यदि आ रहे हैं तो भला अखिलेश यादव जब यूपी में बदल सकते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार में बदल सकते हैं तो महाराष्ट्र और झारखंड के दूसरे दूसरे हिस्सों में जहां कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी दमदार उपस्थिति है वो क्यों नहीं बदल सकती भला क्या सिंबॉलिक रूप से ओबीसी का मुख्यमंत्री बना देने से आदिवासी राष्ट्रपति बना देने से आदिवासी समाज से आने वाली महिला को एक बेहद सम्मानित पद पर पहुंचा देने से दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को इसके पूर्व राष्ट्रपति पद तक पहुंचा देने से यदि सियासत बदलनी होती लोगों की सूरत हाल बदलनी होती तो राहुल गांधी को यह बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन जब ये बात कहने की जरूरत पड़ी है तो जनता के बीच चेहरों की जगह मुद्दों को प्रधानता देने की एक नई रवायत चली है और उस रवायत को इंडिया अलायंस और राहुल गांधी ने बेहतर तरीके से समझा है तभी जाकर शायद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को इस आक्रामक अंदाज में नागपुर में जाकर के संविधान सम्मान सम्मेलन के माध्यम से कहने की हिमाकत की है आगे आगे देखते जाइए होता क्या है फिलहाल के लिए इतना ही नमस्कार